ताजिटिन मेष राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मन को सकारात्मक, शांत और संतुलित रखने की कोशिश करें। परेशानियों की गहराई तक जाकर उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे। अपनी अजीब भावनात्मक स्थिति के बावजूद आप दूसरों की मदद करने में सफल हो सकते हैं। कारोबार में धन लाभ की संभावना है। किसी नई योजना से भी अचानक फायदा हो सकता है। नेगेटिव, दूसरों के कुछ खने सुनने के कारण आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। रिश्तों से संबंधित किसी मामले पर आज आप थोड़े आक्रामक हो सकते हैं। आपकी सोच से कुछ लोग सहमत नहीं हो पाएंगे। जोखिम भरे कामों से नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी के कामों में खर्चा होने की संभावना है। कुछ कामों में देरी होने से भी आप परेशान हो सकते हैं। किसी पुरानी बात पर दुखी हो सकते हैं। आज आप किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने से बचें। क्या करें, गुलकंद खाएं? लव पार्टनर आपकी भावनाओं का मजाक उड़ा सकता है। धीरे धीरे संबंध ठीक भी हो जाएंगे। करियर, नौकरी और बिजनेस में दोस्तों की मदद मिलेगी, लेकिन तनाव भी रहेगा। कानूनी विषयों से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा हो सकता है। हेल्थ, हाथ पैर में दर्द हो सकता है। सेहत में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। शपाजिटिव, दिमाग तेज चलेगा। दूसरों के कामों के साथ आप अपना मतलब भी पूरा करवा सकते हैं। ऑफिस में आपका एक काम खत्म होगा तो दूसरा सामने आ जाएगा। चाहने वाले लोगों की मदद करेंगे। उनकी खातिर कुछ त्याग भी आपको करना होगा। माता से लगाव बढ़ेगा। अच्छे समय का इंतजार करें। नई योजनाएं बनाएंगे। खुद को तनाव मुक्त करने के लिए कोशिश भी करेंगे। नेगेटिव, आज जो जैसा चल रहा है चलने दें। कामकाज या रूटीन में बड़े बदलाव करने से आपको बचना होगा। कारोबार बदलने का विचार आपके लिए अच्छा नहीं है। यात्रा टाल दें। कोई जरूरी काम भी अगले दिन पर टालने की कोशिश करें। कोई आपको फालतू बातों से डरा सकता है। झूठी बातों से तनाव भी बढ़ सकता है। चंद्रमा की स्थिति से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। गोचर कुंडली का चौथा चंद्रमा आपको परेशान कर सकता है। कुछ लोग आपसे झूठे वादे कर सकते हैं। पैसों का नुकसान भी हो सकता है। आपके मूड से घर का माहौल बिगड़ सकता है। कोई बदलाव भी आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। क्या करें, भगवान राम या विष्णु जी के मंदिर में चंदन चढ़ाएं? लव, अपने संबंध मधुर बनाने की कोशिश करें। लव लाइफ में सफलता मिलने के योग है। करियर, रुके हुए काम खींचतान से पूरे हो सकते हैं। बिजनेस में पैसा अटक सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन मिला जुला फल रहेगा। हेल्थ, घुटनों और जोड़ों के दर्द में आपको राहत भी मिल सकती है। मिथुन, पॉजिटिव नए विचारों और तरीकों से आपके काम निपट सकते हैं। इसमें आपको फायदा भी हो सकता है। आप अपनी बात इतने कलात्मक ढंग से रखेंगे कि सुनने वाले आपसे सहमत हो सकते हैं। परिवार के कई मामलों पर ध्यान देना होगा। परिवार को आपकी मदद की जरूरत है। निवेश के लिए समय ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक ही रहेगा। बड़े फैसलों में अनुभवी लोगों की सलाह लें। नेगेटिव, पैसों का कोई मामला आपकी टेंशन बढ़ा सकता है। पुराने विवाद आज आपके सामने आ सकते हैं। कोई अच्छा प्लान भी आज अचानक बदलना पड़ सकता है। गलत और अनैतिक कामों में रुचि बढ़ सकती है। खुद को बचाएं। क्या करें, घर या ऑफिस की पश्चिम दिशा में तेल का दीपक लगाएं? लव पार्टनर पर खर्चा ज्यादा हो सकता है। किसी ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपसे पूरी तरह अलग है। करियर, कार्यक्षेत्र और व्यापार में फालतू खर्चा बढ़ सकता है। किसी से भस में ना पड़े। अकेले रहने की इच्छा हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक ही रहेगा। खुद पर भरोसा रखें। एक दो दिन में स्थितियां सुधर सकती है। हेल्थ, आपकी सेहत पर सितारों का नेगेटिव असर हो सकता है। मानसिक तनाव से नींद की कमी और सिरदर्द हो सकता है। कर्क, पॉजिटिव, गोचर कुंडली के धन भाव में चंद्रमा होना आपकी राशि के लिए शुभ है। इससे आपको धन लाभ हो सकता है। कम मेहनत में भी ज्यादा पैसा मिलने के योग बन रहे हैं।
पैसों के कुछ मामलों में किस्मत का साथ मिल सकता है। किस्मत के भरोसे होने वाले रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को लेकर संवेदनशील रहेंगे तो अच्छा है, आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। बिगड़े रिश्तों में सुधार हो सकता है। पारिवारिक मामलों को आज ज्यादा समय देना होगा। सुखद और फायदेमंद यात्रा के योग बन रहे हैं। फैसले लेने की ताकत और हिम्मत बढ़ेगी। नए लोगों से कांटेक्ट बनेंगे। नेगेटिव कुछ मामलों में स्वार्थी होने के कारण आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आज आप बात बात में गुस्सा करेंगे तो आपकी ही इमेज बिगड़ सकती है। आपके कम बोलने से आसपास के किसी व्यक्ति को गलत फहमी हो सकती है। छोटे छोटे कामों में आपका समय खराब हो सकता है। कुछ मामलों में आपको मेहनत के हिसाब से फायदा कम मिल सकता है। क्या करें, हनुमान जी को फल चढ़ाएं? लव इस राशि वालों को लव पार्टनर से सहयोग और प्रेम मिलेगा। पार्टनर से अपनी भावनाएं शेयर करेंगे। संबंधों में मजबूती आएगी। करियर, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। करियर को लेकर सावधान रहे, किसी अनजान व्यक्ति की बातों में ना पड़े। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। दोस्तों के साथ समय बीतेगा, नई बातें भी पता चल सकती है। हेल्थ, ब्लड प्रेशर के मरीजों को राहत मिल सकती है। सिंह, पॉजिटिव प्रेमी या जीवन साथी को समय जरूर दे। परिवार और पैसों से जुड़े मामलों पर आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। आपके मन में कोई भी संदेह हो तो वो साफ हो जाएगा। नजदीकी लोगों को आपकी कितनी जरूरत है आज आपको पता चल जाएगा। आज हर चीज आपके सामने आ जाएगी। खुद को नियंत्रण में रखें। गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट बढ़ेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। आपकी बातों को महत्व भी मिलेगा। नेगेटिव आक्रामक रवैये से आपके काम बिगड़ सकते हैं। मन की बात करने में थोड़ी परेशानी भी महसूस हो सकती है। अनबन हो सकती है। कुछ खास काम कल के लिए छोड़ सकते हैं। गलतफहमी हो सकती है। सोच विचार में कंफ्यूजन हो सकता है। मन की बात ना कर पाने के कारण नजदीकी लोगों के साथ गलतफहमी हो सकती है। कर्जा लेना पड़ सकता है। क्या करें, किसी मंदिर के बाहर बैठे गरीब को भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद खिलाएं। लव पार्टनर को प्रभावित करने के लिए किसी काम में अति कर सकते हैं। हो सकता है कि पार्टनर आपकी भावनाएं ना समझे। करियर, कार्य क्षेत्र और बिजनेस में संभल कर काम करें। पैसों का ध्यान रखें और विवादों से बचने की कोशिश करें। कैंपस में समय खराब हो सकता है। हेल्थ, सेहत खराब हो सकती है। सेहत नासाज रहेगी। चोट लग सकती है। कन्या, पॉजिटिव, आपको फिर से कुछ नया सोचना चाहिए। आर्थिक मामलों में उन्नति हो सकती है। परिवार पर ध्यान देंगे। संतान के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। धन लाभ होगा। प्रमोशन या बड़े फायदे में मन उलझ सकता है। आज आप उसके लिए पूरी ताकत लगा देंगे। एक्स्ट्रा पैसा भी आपको मिल सकता है, जिसके दम पर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आज आप थोड़ा आराम कर लें तो अच्छा रहेगा। कोई कुछ भी सोचे या कहे, आप वही करें जो आपकी नजर में ठीक हो। आप मेहनत ज्यादा करेंगे और आपको उसका फायदा भी मिल सकता है। नेगेटिव पैसा बढ़ाने के लिए शॉर्टकट का उपयोग ना करें। किसी व्यक्ति से मतभेद भी होने के योग हैं। कई मामले ऐसे हैं जिन पर आपकी राय नहीं मानी जाएगी। आज आप थोड़े उदास भी हो सकते हैं। दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने से घर में क्लेश हो सकता है। पैसों को लेकर थोड़ी अनबन भी हो सकती है। लेन देन के कुछ मामलों में आप कंजूसी भी करेंगे। क्या करें, हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं। लव प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करेंगे। आप भावनाएं समझने और समझाने में सफल होंगे। करियर, ऑफिस में काम ज्यादा रहेगा। अपने से निचले वर्ग के कर्मचारियों से आपको मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, चोट लगने की संभावना है। सिरदर्द भी हो सकता है। तनाव दूर करने के लिए योग या प्राणायाम करें। तुला, पॉजिटिव, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। नया काम भी शुरू हो सकता है। बेरोजगारों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। आज आप नए लोगों से जुड़ेंगे। किस्मत का साथ भी आज आपको मिल सकता है। कार्य कुशलता बढ़ेगी। अपने संबंधों से आप हर काम निपटा लेंगे।
जिस प्रोजेक्ट पर आप काफी मेहनत करेंगे उसका फायदा भी मिल सकता है। जो काम सामने हो वो निपटा दे। आप बस करने के मूड में नहीं रहेंगे। जब बात करेंगे आपके बोलने के तरीके से ही लोगों पर आपका असर पड़ सकता है। पैसों की स्थिति पर विचार करना होगा। आपका कारोबार भी बढ़ सकता है। नेगेटिव फालतू कामों या बातों में समय खराब होने के योग है। सुस्ती और आलस्य भी महसूस होगा। खास कामों में आपका मन नहीं लगेगा। एकाग्रता में भी परेशानी हो सकती है। नजदीकी और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से अनबन हो सकती है। काम में या दूसरे मामलों में व्यस्त रहने के कारण आपकी लव लाइफ पर नेगेटिव असर हो सकता है। कुछ मामलों में आप ज्यादा ही भावुक हो सकते हैं। जीवन साथी से भी अनबन होने के योग है। क्या करे, गाय को खीर पूड़ी खिलाए? लव अपनी उलझने और गुस्सा पार्टनर पर ना निकाले। आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिसका नेगेटिव असर आपकी लव लाइफ पर होगा। करियर आपके लिए दिन ठीक ठीक ही रहेगा। नया काम भी आपको मिल सकता है। पढ़ाई में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है लेकिन कंफ्यूजन भी ज्यादा होगा। बार बार आपका ध्यान भटकता रहेगा। हेल्थ, मानसिक थकान और तनाव हो सकता है। पुराने रोग ज्यादा परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक, पॉजिटिव दाम्पत्य जीवन में सुख मिल सकता है। परिवार के साथ किसी खास मामले पर सलाह हो सकती है। कारोबार और नौकरी में मेहनत ज्यादा हो सकती है और आपको फायदा होगा। कोई खास बात शेयर करने या किसी से सलाह लेने के लिए दिन अच्छा है। आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपके लिए मददगार हो सकते हैं। बहुत से लोग आपके विचारों और बातों से भी सहमत हो सकते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आप भी अपने कामों में आगे बढ़ते जाएंगे। आपको एक साथ कई तरह के काम करने पड़ सकते हैं। जिन लोगों से मिलेंगे उनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऑफिस या फील्ड में नई योजनाएं आपके सामने आ सकती हैं। नेगेटिव भागदौड़ ज्यादा हो सकती है। कुछ कामों में मन कम ही लगेगा। कोई गंभीर बात या विचार आपके मन में चलता रहेगा। इस कारण आप थोड़ी टेंशन में भी रहेगी। क्या करे, सौंफ फैलाकर खाए? लव, जिन चीजों से कोई लेना देना नहीं है उन्हें लेकर विवाद ना करें। जीवन साथी या लव पार्टनर से संबंध ठीक हो जाएंगे। दूरियां भी खत्म हो सकती है। करियर, नौकरी, पेशा और बिजनेस वालों के लिए दिन शुभ है। दोस्तों की मदद से धन लाभ होगा। स्टूडेंट्स को सीनियर्स की मदद मिल सकती है। करियर के मामले में दिन अच्छा रहेगा। हेल्थ, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। पुराने रोग खत्म हो जाएंगे। धनु, पॉजिटिव, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग है। संतान से सुख मिलेगा। आर्थिक मामलों में दिन अच्छा हो सकता है। इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जो भी काम सामने आए उसे पूरा मन लगा कर निपटाने की कोशिश करें। आप दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे। भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी बना सकते हैं। किसी के प्रति आकर्षित भी हो सकते हैं। नेगेटिव गुस्से पर नियंत्रण रखें तो ही सफल हो पाएंगे। कुछ खास मामलों में दोस्तों के भरोसे ना रहे, उनकी मदद नहीं मिल पाएगी। इससे आप थोड़े दुखी भी हो सकते हैं। पैसों के किसी मामले में उलझी स्थिति आज नहीं सुलझने से आप परेशान हो सकते हैं। क्या करे, 1-2-2 घूंट गंगा जल पिए? लव लाइफ व्यवस्थित रखना चाहेंगे। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार के साथ भी समय बीतेगा। पार्टनर आपकी भावनाएं समझेगा। करियर, नौकरी या कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कोई ऑफर आपको छिपे ढंग से मिल सकता है। कैंपस में मेहनत ज्यादा रहेगी। कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों का साथ नहीं मिल पाएगा। हेल्थ, एसिडिटी या बदन दर्द हो सकता है। पुराने रोगों से परेशानी बढ़ सकती है। मकर, पॉजिटिव, चली आ रही कोई परेशानी निपट सकती है। आपकी तारीफ भी हो सकती है। आपके सामने कामकाज बहुत रहेंगे। दिन में थोड़ा समय दोस्तों के साथ बिताने का मौका मिले तो उनके साथ समय जरूर बिताएं। अच्छा काम करेंगे। बड़े लोग और अधिकारियों की नजरों में आपकी अच्छी इमेज बन सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष मजबूत हो सकता है। नेगेटिव दुश्मनों से सावधान रहे। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है उसका मोह ना करें।
आसपास या साथ के लोगों से रूखा व्यवहार ना करें। आपको दिए गए कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। ऑफिस में कुछ लोग आपकी बुराई कर सकते हैं। खुद पर कंट्रोल नहीं होने से आपकी इमेज पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। कोई खास इंसान आपकी अनदेखी के कारण दुखी हो सकता है। बिजनेस और नौकरी में आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। क्या करें? सूर्य को प्रणाम करें। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर से मन की बातें शेयर करेंगे। अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन बढ़ेगा। करियर बिजनेस में अचानक फायदा हो सकता है। नए काम शुरू ना करें। अधिकारियों की मदद मिलेगी। पैसे खो सकते हैं। स्टूडेंट्स करियर की दिशा को लेकर थोड़ी अनिश्चितता भी महसूस करेंगे। हेल्थ सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। कोई चोट या कट भी लग सकता है। कुंभ पॉजिटिव, मन में उठने वाले सवालों के जवाब भी आपको मिल सकते हैं। गड़बड़ी खत्म हो जाएगी। घर और ऑफिस से सहयोग मिल सकता है। गोचर कुंडली के रोजमर्रा के भाव में चंद्रमा होने से सोचे हुए काम बनने लगेंगे। पार्टनर आपको ऐसी सलाह दे सकता है उससे आपको बड़ा फायदा होने के योग है। आपका पूरा ध्यान अपने महत्वपूर्ण कामों पर रहेगा। कई तरह की जिम्मेदारी वाले काम आपके सामने हो सकते हैं। अचानक कोई खास काम आपके दिमाग में आ सकता है। पैसों से जुड़ा फायदा मिल सकता है। उलझा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। किसी काम के लिए होने वाली यात्रा आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। नेगेटिव, कोई नया काम या नई योजना सोच समझ कर और पूरी तैयारी से शुरू करें, वरना आपके दूसरे काम अधूरे रह सकते हैं। नया काम भी पूरा नहीं होगा। परिवार में विवाद होने की संभावना है। क्या करें? छोटी कन्या को पान खिलाएं। लव पार्टनर से चले आ रहे विवाद निपटाने के लिए दिन अच्छा रहेगा। परेशानियां खत्म हो सकती हैं। पार्टनर से प्यार रहेगा। करियर कार्य क्षेत्र और बिजनेस में मेहनत ज्यादा होगी। उसके परिणाम कुछ कम रहेंगे। आने वाले दिनों के लिए योजना बना सकते हैं। नोट्स तैयार करेंगे। दोस्तों से राय लेंगे। हेल्थ सेहत के मामले में सावधान रहे। थकान और आलस्य रहेगा। मीन पॉजिटिव, आपका ध्यान परिवार और पैसों से जुड़े मामलों पर रहेगा। सजावट के सामान या कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदने का मन बना सकते हैं। आज आप पुरानी बातों को सुलझाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपको दुश्मनों से जीतने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। मीठा बोलेंगे तो ज्यादातर काम निपटा लेंगे। नेगेटिव, गोचर कुंडली के छठे भाव का चंद्रमा आपको परेशान कर सकता है। सावधान रहे। किसी खबर के कारण आपको मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है। जोश जोश में कोई गलत काम ना करें। विवादों से बचने की कोशिश करें। उधार पैसा लेने से भी बचें और क्रेडिट कार्ड के उपयोग में सावधानी रखें। खर्चा और पैसों के लेन देन को लेकर किसी से मतभेद भी हो सकता है। कुछ लोगों से अनबन होने की संभावना है। जरूरत से ज्यादा खर्चा भी हो सकता है। संभल कर रहे। क्या करें? नाभि पर फूल वाला इत्र लगाएं। लव प्रेमी से आप जो चाहते हैं उसकी मांग और जिद ना करें, वरना संबंध बिगड़ सकते हैं। करियर बिजनेस में सावधानी रखें। कामकाज ज्यादा होने से नौकरी पेशा लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। हेल्थ, परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है। नींद की कमी से भी कुछ लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।